सीएम सिटी गोरखपुर में विश्वविद्यालय परिसर में एबीवीपी के छात्रों ने किया हंगामा। कुलपति और पुलिस से की मारपीट। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में फीस वृद्धि और छात्रों के निलंबन के खिलाफ चल रहा विद्यार्थी परिषद का प्रदर्शन चौथे दिन शुक्रवार शाम को उग्र हो गया। प्रदर्शनकारियों ने कार्यालय में तोड़फोड़ कर कुलपति और कुलसचिव से अभद्रता और धक्का मुक्की की तो फोर्स ने बल प्रयोग किया। पुलिस ने छात्रों को जमकर डंडे से पीटा, घसीटते हुए गाड़ियों में ठूंसा और हिरासत में लेकर कैंट थाने चले गए। छात्रों ने कैंट थाने के सामने पहुंचकर जाम लगा दिया। विश्वविद्यालय में इस सत्र से 400% तक की फीस वृद्धि की गई है, इसको लेकर छात्र संगठन विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ता फीस वृद्धि वापस लेने को लगातार आंदोलन कर रहे थे और 4 कार्यकर्ताओं का विश्वविद्यालय प्रशासन ने निष्कासन कर दिया गया। इसके बाद 18 जुलाई से विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। शुक्रवार को सुबह 10 बजे प्रदर्शनकारी कुलपति कार्यालय पहुंचे और गेट पर इस ऐलान के साथ बैठ गए कि जब तक फीस वृद्धि वापस लेने की घोषणा नहीं होती, न तो किसी को अंदर जाने देंगे और न ही बाहर आने देंगे। करीब 3:30 बजे तक कोई सुनवाई नहीं होने पर प्रदर्शनकारियों के समर्थन में छात्रावासी व अन्य छात्र भी आ गए। गेट पर फोर्स भी मुस्तैद रही। इस बीच प्रदर्शनकारी कुलपति कार्यालय की ओर बढ़े, अंदर तोड़फोड़ शुरू हो गई, गेट के शीशे टूट गए। ऊपर कुलपति के चेंबर के पास कॉन्फ्रेंस हॉल में भी तोड़फोड़ की गई। बताया जा रहा है कि इस दौरान कुलपति राजेश सिंह चेंबर से निकलकर जाने लगे तो प्रदर्शनकारी उनसे भिड़ गए। कुलपति से अभद्रता और धक्का मुक्की के बीच कुलसचिव आ गए तो उन्हें भी प्रदर्शनकारियों के गुस्से का शिकार बने। पुलिस ने किसी तरह कुलपति को वहां से निकालकर आवास तक पहुंचाया।